हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पाकिस्तान से जुड़ी कुमकुम अगली खबर दिखा देते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। पाकिस्तान सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि एलओसी पर हलचल बनी रहे और उसमें भारत उलझा रहे, लेकिन ऐसा करके वो खुद अंतर्राष्ट्रीय संस्था एफएटीएफ की जांच में फंस गया है और आज पेरिस में पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होने वाला है। पेरिस में चल रही एफएटीएफ की वर्चुअल बैठक का आज तीसरा और निर्णायक दिन है। आज शाम को एफएटीएफ ये तय करेगा कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करना है या नहीं। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को 27 पॉइंट पर काम करने का आदेश दिया था। पाकिस्तान ने एफएटीएफ की 6 बड़ी शर्तों को पूरा नहीं किया है, इसलिए माना जा रहा है कि एफएटीएफ आज पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है। और यही 8 बजे की है हमारी दूसरी स्पेशल रिपोर्ट। ब्लैकलिस्ट में चले गए या वो महंगाई आएगी, हमारी सारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। इमरान खान के इसी डर पर अब से कुछ घंटों बाद एफएटीएफ फैसला सुनाने वाला है। पेरिस से 21 अक्टूबर से चल रही एफएटीएफ की बैठक का आज निर्णायक दिन है। आज ही ये फैसला होना है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद की फंडिंग के खिलाफ ठोस कार्रवाई की है या दुनिया को धोखे में रखा है। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे सूची में डाला था। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए 27 बिंदुओं की कार्य योजना दी थी। साल 2019 के अंत तक ये सभी 27 पॉइंट लागू करने थे, लेकिन इनमें से पाकिस्तान ने सिर्फ 21 पॉइंट को ही लागू किया। आतंकी संगठनों की फंडिंग पर रोक लगाने में वो अब भी आनाकानी कर रहा है। पाकिस्तान कंटिन्यूज टू प्रोवाइड सेफ हेवंस टू टेररिस्ट एंटिटीज एंड इंडिविजुअल्स एंड इट हैज आल्सो नॉट टेकन एनी एक्शन against several terrorist entities and individuals, including those who have been proscribed by the UNSC, such as Masood Azhar, Dawood Ibrahim, and Zakir-ul-Rahman Lakhvi. FATF को भी लगता है कि पाकिस्तान ने आतंक विरोधी नीतियों पर अमल नहीं किया, तो उसे उत्तर कोरिया और ईरान की तरह ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, जिसकी सीधी मार पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगी। और ये बात इमरान को भी मालूम है। अगर पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट में चला जाता है तो लोगों को पता चलना चाहिए उसके असरात क्या होंगे उस मुल्क पे। उसका मतलब होगा कि हमारे बैंकों के, जिस तरह ईरान का हाल है, सारी डीलिंग्स खत्म हो जाएंगी। उसका मतलब कि हमारे साथ कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान से डील नहीं करेंगी। पाकिस्तान आर्थिक तौर पर पहले ही बर्बादी की कगार पर खड़ा है और अगर वो ब्लैकलिस्ट हुआ तो उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह बिखर जाएगी। इसी से बचने के लिए पाकिस्तान ने अगस्त में 88 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और उनके नेताओं पर वित्तीय पाबंदी लगाई थी। इनमें मुंबई हमलों का सरगना और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर का नाम शामिल है। प्रतिबंधित संगठनों पर कार्रवाई के लिए पाकिस्तान ने अपने करीब 15 घरेलू कानूनों में भी संशोधन की मंजूरी दी है। हालांकि जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने से पहले एक और मौका मिल सकता है। इसके पीछे तकनीकी कारण है। 39 सदस्यों वाली एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान को कम से कम 3 सदस्यों का समर्थन चाहिए और उसे ये समर्थन चीन, तुर्की और मलेशिया से आसानी से मिल जाएगा। लेकिन ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए पाकिस्तान को 12 सदस्यों के समर्थन की जरूरत है, जो अभी नामुमकिन है। इसलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान अब भी ग्रे लिस्ट में बना रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ तब भी इमरान सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि इमरान खान उधार के पैसे पर अपने देश का पेट पाल रहे हैं और ग्रे लिस्ट में फिर से नाम आया तो ये पैसे भी मिलने और मुश्किल हो जाएंगे।